मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। टक्कर के आज के एडिशन में हम सीधे तौर पे बात करेंगे, क्या इंडिया अलायंस में ऑल इज नॉट वेल? दैट्स द बिग क्वेश्चन ऑन सीएनबीसी आवाज। टुनाइट वी विल आस्क। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। हमने भी वोट। अरे भाई छोड़ो, अगले से फिर बाजे गाजे के साथ बना इंडी अलायंस घर से निकलते ही कुछ दूर चलने से पहले ही बिखरने लगा है। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान क्या हुआ, मोदी से भिड़ने से पहले गठबंधन के साथ ही आपस में भिड़ पड़े। लेकिन अखिलेश यादव अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना एक तरह का धोखा है, कांग्रेस एक चालू पार्टी है। अखिलेश यादव ने यह मध्य प्रदेश की धरती पर बोला। हमारा दोनों का लक्ष्य था कि हम बीजेपी को हराएं, जो सीटें वो चाहते थे, जहां से वो चाहते थे वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे, तो इसलिए ये समझौता नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पर ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। कोई अपना वोट समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। सोचो कितना बड़ा चमत्कार है कि कांग्रेस पार्टी जिसने मंडल कमीशन रोका, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने दी हो, वही दल आज कह रहा है कि हम जाति गणना कराएंगे, आरक्षण देंगे। सिर्फ सीटों तक ही सीमित नहीं है, अब जातिगत जनगणना पर भी क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। बिहार में हुए जाति वाले सर्वे ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तलखी और बढ़ा दी है। जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है, वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया। अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। पहले की सरकारों ने आंकड़ों को जोड़ने का काम कर लिया, लेकिन मुझे सिर्फ आंकड़ों को जोड़ करके नहीं बैठना है, मुझे तो जीवन को जोड़ना है। विपक्षी कलह का किस्सा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, कांग्रेस का घेराव तो अब घर से बाहर तक शुरू हो गया है। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। उल जलूल लोगों के बयानों पर मत जाइए, ये देखिए। एक INDIA गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कई कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी उनको कोई इस चीज की चिंता है नहीं। यानी जिसकी आशंका थी हो वही रहा है। सभी के मन में सवाल थे, अपनी विचारधाराओं को भुलाकर मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन बन तो गया, लेकिन क्या सीटों वाली महत्वाकांक्षाओं की तिलांजलि ये पार्टियां दे पाएंगी? और फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। सवाल ये है कि 2024 तक इस गठबंधन का हश्र क्या होने वाला है। तो अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये सीधे चलते हैं इंडिया में फूट का तथ्यात्मक विश्लेषण। अखिलेश यादव बोले कांग्रेस चालू और धोखेबाज पार्टी है, तो कमलनाथ बोले समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट की बर्बादी है। मेरे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना से समाज का एक्सरे होगा, एक्सरे का दौर पुराना हुआ, अब MRI और CT स्कैन का जमाना है। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। बढ़ता हूं मैं आगे, राहुल गांधी कहते हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना जरूरी है, वोट के लिए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का दाव चला है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। बर्ताव में आगे अजय राय कहते हैं कि जिसने पिता का सम्मान नहीं किया वो मेरा क्या करेगा, अजय राय या अखिलेश यादव के लिए कहते हैं। रामगोपाल यादव कमलनाथ को छुटभैया नेता बता रहे हैं। बर्ताव में आगे नीतीश कुमार कांग्रेस को गठबंधन की चिंता नहीं है
और शिवसेना लिख रही है नीतीश कुमार को संयम बरतने की जरूरत है। एक तरफ चिंता नहीं है, दूसरी तरफ संयम बरतने की जरूरत है। यही है इंडिया में फूट का तथ्यात्मक विश्लेषण आज के कार्यक्रम में। लेकिन अब बड़ा सवाल, और बड़ा सवाल है इंडिया गठबंधन मुंगेरी लाल के सपने जैसा साबित हो रहा है। मुंगेरी लाल की हसीन कहानी आपने पढ़ी होगी, मुंगेरी लाल के सपने की कहानी भी आपने पढ़ी होगी, क्या इंडिया अलायंस की कहानी भी वैसे ही है? आज की चर्चा में उसी की हम बात करें।